Assalamualaikum dear student, welcome back to Sigma Physicist. We were discussing chapter number 12, geometrical optics. And the topic we are going to discuss today is application of total internal reflection. In previous lecture, we have discussed in detail the various phenomena of light such as reflection, refraction, and total internal reflection.

तो मैंने कहा था कि मेरी जो इंस्टेंट रे है वो किसी ना किसी एंगल पे पॉइंट ऑफ इंस्टेंस पे जो है वो स्ट्राइक करेगी तब जाके हमारे पास ये ये तीनों केस जो है वो ऑब्जर्वेबल होंगे लेकिन अगर मेरी इंस्टेंस रे जो है वो नॉर्मल के साथ बिल्कुल नॉर्मल के पैरेलल हो के पॉइंट ऑफ इंस्टेंस पे स्ट्राइक करेगी तो क्लास जो मेरा केस है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा और मेरी जो इंस्टेंट रे है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाएगी ट्रांसमिट होने से मुराद है ट्रांसफर हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन ड्यू टू चेंज इन द मीडियम ठीक है क्लास तो ये आप लोगों ने याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को याद रख के ही हम लोग जो है अपना जो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उन्हें स्टडी स्टडी करेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एट नाइनटी डिग्री इट ट्रांसमिट विदाउट एनी डेविएशन यानी कि लाइट जो है वो मूव करेगी वो ट्रांसफर होगी विदाउट एनी डेविएशन मतलब के लाइट जो है वो कोई भी बेंडिंग का फिनमना शो नहीं करेगी और इस तरह के जो फिनोमना हैं वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो है वो इस्तेमाल होते नजर आते हैं हमें जैसे कि पेरिस्कोप में और बाय न्यूक्लियर्स में जो कि हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस हैं तो चले बात करते हैं पेरिस्कोप की तो पेरिस पेरिस्कोप में बेसिकली होता क्या है एक राइट एंगल प्रिज्म यूज होता है राइट एंगल प्रिज्म से क्या हम रात है कि जो उसकी बेस और परपेंडिकुलर का एंगल होगा वो 90 डिग्रीज होगा और बाकी के दो एंगल जो हैं वो 45 डिग्रीज पे होंगे अच्छा क्लास अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब इंस्टेंट रे परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ एनदर मीडियम स्ट्राइक करेगी तो वो बिल्कुल जो है विदाउट एनी डेविएशन जो है वो एवल करेगी इन टू द सेकेंड मीडियम तो आप लोग जो है अपनी पैरास्कोप की थ्योरी अपनी स्क्रीन पर रीड आउट भी कर लोगे और नोट डाउन भी कर लोगे बेसिकली मैं आप लोगों को जो फिनोमना यहाँ पर होगा वो कैसे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमना वो समझा देता हूँ तो सबसे पहले क्या होगा मेरी जो इंसिडेंट रे है वो एट द फोर्टी फाइव डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो है मेरे फर्ज करते हैं यहाँ पर जो बायर में वो है। अब जब से, आ, ग्लास में मूव करेगी क्योंकि में एक ग्लास बॉडी है तो जब लाइट रे एयर से ग्लास बॉडी में मूव करेगी तो आप लोग कह सकते हो कि सर उसे तो बैंड हो जाना चाहिए लेकिन जब मेरी लाइट रे जो है वो पर टू द ग्लास सरफेस एंटर करेगी स्ट्राइक करेगी तो मेरी जो लाइट है वो बेंड नहीं होगी बल्कि किसी भी डेविएशन के बगैर किसी भी बेंडिंग के बगैर जो है वो आकर ग्लास बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी ट्रांसमिट हो जाएगी और उसके बाद हाइपोटेनिस से टकराने के बाद मेरा जो एंगल आएगा वो 45 फाइव डिग्रीज का आएगा अब ये क्या है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये देखें मैंने क्या कहा था कि पॉइंट ऑफ एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रा कर लें जिससे हम अपने एंगल्स को जो है वो मेजर कर सकें तो उस लाइन को मैं कहूँगा कि नॉर्मल लाइन है अच्छा अब नॉर्मल लाइन आप लोगों को मैंने पहले भी से समझाया था फिर रिपीट कर दिया एक बार अब नॉर्मल लाइन क्यों यूज होती है ताकि हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आसानी से मेजर कर सकें ठीक है तो मेरे जो लाइट रे है वो एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 फाइव डिग्री पर आकर हाईपोटे स्ट्राइक करेगी और आप लोगों को मैंने जब लास्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लेक्चर दिया था तो मैंने कहा था कि हर मटेरियल का क्रिटिकल एंगल उसका अपना होगा और इस तरह के अगर मेरे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो मेरी जो लाइट रे वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद जो है बाउंस बैक हो जाएगी इनटू द सेम मीडियम और इस फिनना को जो है वो मैं कहूँगा कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमना हुआ है अब आप लोग ओके जहन में सवाल आ सकता है कि लाइट रे इसके बाद प्रिज्म की इसी बाउंड्री से बिल्कुल सीधा मूव क्यों नहीं कर गई या रिफ्लेक्ट होकर दोबारा इधर इस बाउंड्री में क्यों नहीं गई तो उसकी वजह क्या है कि लाइट रे जो है वो भी, आ, जो है ड्यू टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रिफ्लेक्ट हो गई है ओके okay, क्लास अब अगर क्लास मेरी लाइट रे मैंने कह दिया कि मेरी लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट बैक हो गई है अच्छा पेरिस्कोप की जो रिफ्लेक्शन है इसको रिफ्लेक्शन एट 90 डिग्रीज भी बोलते हैं ठीक है ये आप अपनी लाइन जो है स्क्रीन पर पढ़ सकते हो तो क्लास आप लोगों ने याद रखना कि जब रिफ्लेक्शन है 90 डिग्रीज की बात होगी ना तो बेसिकली हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को सम अप करने के बाद जो एंगल आएगा ना उसको हम उस एंगल को हम कंसीडर करेंगे और उस एंगल को हम कहेंगे कि ये जो एंगल है ये बेसिकली इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के आपस में जो एंगल है वो आपस में बनने वाला एंगल है जैसे फोर्टी फाइव डिग्री प्लस फोर्टी फाइव डिग्री गिव्स अस 90 डिग्रीज विच इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ठीक है इसके बाद अब हम बात करते हैं कि पेरिस्कोप बेसिकली यूज़ कहाँ होता है तो सब में पेरिस्कोप यूज़ होता है अब आपको पता है सब जो है वो डेप्थ ऑफ सी में आ, आ, समंदर की डेप्थ में होती है बेसिकली तो समंदर की डेप्थ से समंदर की सरफेस के पर क्या हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं ऑप्टिकल डिवाइस वो पेरिस्कोप है और पेरिस्कोप की आप ले देख लें कि फॉर्मेशन किस तरह से है बना किस तरह से है वो कि इसके दो जो एंड्स हैं उन पर एक राइट एंगल प्रिज्म जो है वो प्लेस किया गया है लाइट रे जो है आपको पता है हम देखते क्यों हैं क्योंकि हम हमारी जो लाइट रे हैं वो हमारी आइज के लेंस से आकर स्ट्राइक करती हैं खैर लाइट रे जो है वो एक ओपनिंग सेंटर होती है रिफ्लेक्ट होती है ड्यू टू प्रिज्म एंड देन लाइट रे अगेन reflect due due to to prism and light ray exits exits uh, due to another opening जहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जर्वर मौजूद होता है जो कि समंदर के सरफेस पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसे मिल जाती है वो उसे देख सकता है तो इस तरह से हम जो है वो पेरीस्कोप को यूज करते हैं इसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन सेकंड एप्लीकेशन जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बाय न्यूक्लियर्स में है बाय न्यूक्लियर्स हम डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं बाय न्यूक्लियर्स में क्या होता है बेसिकली अब ये जो ए और बी लाइट रेज हैं ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है और ए डैश और बी डैश जो है लाइट रेज वो एक इमेज फॉर्म इमेज जो बनी है उसको जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली है क्या लाइट रेज दो लाइट रेज जाएंगी वो जाके

and again our light ray reflect back, uh, reflect back to the same medium, ठीक है? और A dash और B dash जो है वो resultant जो image form हो रही है उसको हमारे पास represent कर रहे हैं। इस तरह से एक image formation हो जाएगी। अच्छा, इसी reflection को हम total internal रिफ्लेक्शन एट नाइन्टी वन एटी डिग्रीज भी बोलते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वन डिग्रीज या नाइन्टी डिग्रीज रिफ्लेक्शन एट वन एटी डिग्रीज या रिफ्लेक्शन एट नाइन्टी डिग्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि हम रिफ्लेक्टेड रे और इंस्टेंट रे के दरमियान जो एंगल बनता है उसको कंसिडर कर रहे होते हैं वो चाहे वन डिग्रीज़ हो या नाइन्टी डिग्रीज हो अब बाय न्यूक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक इंसिडेंट लाइट रे जो है वो प्रिज्म से जाकर स्ट्राइक करेगी उसके बाद प्रिज्म से जाकर स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद अब रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो दूसरे सेकंड प्रिज्म पर जो है वो जाकर सेकंड प्रिज्म पर जो है वो जाकर स्ट्राइक करेगी और उसके बाद सेकेंड प्रिज्म के लिए वो इंसिडेंट लाइट रे होगी और इसी तरह से इंसिडेंट लाइट रे जो है वो दोबारा से प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्ट होने के बाद लेंस के थ्रू एक ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी जो कि उसको जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही होगी वो उसको दे देगी अब आप लोग देखो अगर ये वाली जो है वो ए, ये वाली लाइट रे जो है वो इंस्टेंट लाइट रे है और ये जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्टेड राइट लाइट है जो कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हुई है अब अगर इन दोनों लाइंस के दरमियान इनकी डायरेक्शन की वजह से आप लोग एंगल मैर करोगे इट विल बी 180 एटी डिग्रीज इसके बाद हम चलते हैं अपनी तीसरी एप्लीकेशन की तरफ जो कि ऑप्टिकल फाइबर है ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली कहाँ पर यूज़ होते हैं ऑप्टिकल फाइबर हमारी uh, जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनमें यूज होते हैं ताकि जो हमारा डाटा है वो स्पीड ऑफ लाइट के के रेट पर जो है वो ट्रांसफ़र हो सके ऑप्टिकल फाइबर की कंस्ट्रक्शन क्या है एक हेयर साइज थ्रेड ऑफ ग्लास है ठीक है अब ग्लास के अंदर जो है वो दो लेयर्स बनाई गई हैं ग्लास की ही ठीक है पहली जो लेयर है वो क्लेडिंग है जो कि आउटर लेयर है अच्छा क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़रा लो रखा जाता है जबकि जो कोर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़रा हाई रखा जाता है अब होता क्या है कि जो इसकी क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं इससे जो है वो लाइट जो है वो एंटर होती है ठीक है अब लाइट अगर जो है वो क्रिटिकल एंगल पर जाकर कोर से टकराएगी तक, उसके बाद लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल मूव करेगी जैसे कि ये वाली लाइट रे तो तब भी ये लाइट रे जो है वो हमारे ऑप्टिकल uh, फ़ाइबर के अंदर ही है और अगर लाइट रे जो है वो इस तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पर जाकर स्ट्राइक करेगी विद द इनर लेयर ऑफ ग्लास तो मेरे पास मेरी लाइट रे जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और इस तरह से मेरी लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल तो, फाइबर uh, में डेटा ट्रांसफर करने के काम आएगी अच्छा इसके बाद एक और बात के कोई भी लाइट रे जो है ना वो मेरे ऑप्टिकल फाइबर को ना छोड़ेगी नहीं मतलब ऑप्टिकल फाइबर से बाहर नहीं जाएगी ये अपने आउटपुट पॉइंट तक डाटा को ट्रांसफर करेगी एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ थ्री इंटू टन पावर एट मीटर पर सेकेंड ये इसकी वर्किंग है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बाद बात करते हैं लाइट पाइप्स की लाइट पाइप से क्या है? लाइट पाइप बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर से बनाए गए हैं ठीक है पहली बात उसके बाद सेकंड बात है कि लाइट पाइप्स यूज किधर होते हैं तो इंजीनियरिंग की या मेडिकल की वो सारी फील्ड जहाँ पर ह्यूमन आई एक्सेसिबल नहीं होती वहाँ पर जो है वो मेरे लाइट पाइप्स यूज किए जाते हैं इसमें भी उसी तरह से कोर और का कॉन्सेप्ट है और मेरी जो लाइट रेज है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनमना के थ्रू मुझे डेटा ट्रांसफ़र करती हैं अब लास्ट में बात करते हैं एंडोस्कोप्स की क्या एंडोस्कोप्स क्या है तो बेसिकली एंडोस्कोप जो हैं वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि डायग्नोस्टिक और सर्जिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है या आप लोगों ने सुना होगा कि हम एंडोस्कोपी करवा कर आए हैं तो एंडोस्कोपी से क्या हम लोग हैं बेसिकली वो सारे मेडिकल प्रोसीजर्स जो कि एंडोस्कोप यूज करते हैं एंडोस्कोपी कहलाते हैं ठीक है आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एंडोस्कोप का जो पाइप है बेसिकली वो भी टू और मोर देन टू ऑप्टिकल फाइबर से बनाया जाता है जो कि माउथ के, के थ्रू जो है ह्यूमन बॉडी में एंटर किया जाता है और जो भी टारगेटेड ऑर्गन uh, होता है ह्यूमन बॉडी का वहाँ तक uh, पहुँचाया जाता है इस पाइप को थ्रू कंट्रोल सिस्टम अब कंट्रोल सिस्टम के थ्रू टारगेटेड एरिया तक हम जब पहुँच जाएंगे उसके बाद हम अपने टारगेटेड ऑर्गन पर लाइट शाइन करवाएंगे और वो लाइट रे जब हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनमनाज के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक होकर मुझे एक मॉनिटर स्क्रीन पर एक इमेज दे देंगी जो कि मेरे एग्जाम या ऑब्जर्वेशन के अंडर जो ऑर्गन होगा उसकी इमेज होगी जिससे हम अपने इंटरनल ऑर्गन को आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं इसी तरह क्लास कुछ की टाइप्स हैं जो यूज करके हम एंडोस्कोप्स के जो इसी तरह क्लास एंडोस्कोप्स के डिफरेंट टाइप्स हैं सच साइटोस्कोप

और इनके कौन कौन से टारगेटेड या रिलेटिव जो भी ऑर्गन्स हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं ये क्वेश्चन एम में पूछा जा सकता है इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड होता है इन केस अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं